दतिया से बड़ी खबर मिल रही है। ट्रैफिक पुलिस द्वारा NH 75 पर चलाए जा रहे ट्रैफिक चेकिंग अभियान में पीछे से ट्रक द्वारा पुलिस वाहन में टक्कर मारने में खड़े पुलिस होमगार्ड आरक्षक की मौत हुई है। ग्वालियर झांसी हाईवे पर चेकिंग कर रही यातायात पुलिस के वाहन में ट्रक ने टक्कर मारी है। हादसे में होमगार्ड सैनिक मैथिली शरण यादव की मौके पर ही मौत हुई। बाल बाल बचे यातायात प्रभारी होतम सिंह बघेल और अन्य पुलिसकर्मी। ट्रक चालक मौके से फरार है। ग्वालियर हाईवे रिछारी के पास की घटना बताई जा रही है। वहीं प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि ट्रैफिक द्वारा चेकिंग की जा रही थी। दोनों तरफ बहुत सारी गाड़ियां खड़ी थी। पीछे से ट्रक चालक ने टक्कर मार दी और रोड पर चेकिंग कर रहे होमगार्ड सैनिक की मौत हो गई। कोतवाली पुलिस ने ट्रक चपका चालक की तलाश तेज कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदुस्तान टुडे। यहाँ पे क्या हुआ है? एक गाड़ी खड़ी थी मेटाडोर, हाँ। कलर की थी, उसमें पीछे से ट्रक वाला आया, वहाँ नत जाई, हाँ। जैसे वो आगे जाके धड़की, वो उन पे चढ़ गई, पुलिस वाले भी थे, वो आगे जाके जिप्सी में गली। जिप्सी में गली। कितने बजे की घटना होगी जी? करीबन करीबन 8:30-9 बजे के लगभग। तो यहाँ पर ये क्या चेकिंग कर रहे थे? चेकिंग कर रहे थे। गाड़ियाँ बहुत खड़ी थी, उस साइड भी खड़ी थी, उस साइड भी खड़ी थी जी। कर रहे थे हम लोग थाना गोरा घाट स्टॉप उठाने के लिए जा रहे थे। ऐसा हमारे को ज्ञात हुआ था कि परसों CM साहब का प्रोग्राम है भंडार में, तो स्टॉपरों की बहुत आवश्यकता थी, तो थाना गोरा घाट स्टॉप पर लेने जा रहे थे। उसी दौरान दो ढाबे के पहले ट्रक ने गाड़ियों पीछे टक्कर मार दी, जिससे मैथ काफ़ी सुख गई। चोट बाकी किसी को नहीं आई है, टोटल तो हल्के हल्के सभी हुए, लेकिन मैथिली को ज़्यादा असर में चोट आने की वजह से उसको हॉस्पिटल लेके आया गया है। नहीं, इसकी अभी डॉक्टरों ने सर्टिफिकेट नहीं दिया है, डॉक्टर बताएंगे क्या हालत है।